दिल्ली पुलिस के कमिश्नर राकेश अस्थाना ने अपने पहले ही बातचीत में दिल्ली पुलिस वालों पर गहरी छाप छोड़ी है। शनिवार को उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए दिल्ली के सभी रैंक के अफसरों से बातचीत की। इस बातचीत के जरिए उन्होंने यह संदेश देने की कोशिश की कि अगर कोई पुलिस वाला ठीक से काम कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। उन्होंने सीनियर अफसरों को यह भी संदेश दिया कि वो दंड देने की बजाय सुधार की कार्रवाई पर ज़्यादा ध्यान दें। इसके अलावा उन्होंने शिफ्ट में ड्यूटी को विभाजित करने और लॉ एंड ऑर्डर और इन्वेस्टिगेशन को अलग रखने की भी बात कही। यही नहीं, उन्होंने वेलफेयर की और चंद बातें ऐसे कहीं जिससे ग्राउंड पर काम करने वाले दिल्ली की पुलिसकर्मी काफ़ी उम्मीद से भर गए हैं। उनमें जोश है और उनको ऐसा लग रहा है कि नए एसीपी के नेतृत्व में वो निर्भीक काम कर सकेंगे और उनके उचित काम का उचित इनाम भी मिलेगा और दंडात्मक कार्रवाई का भय भी नहीं रहेगा।